सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? स्वागत है और एक इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियो पे। तो आज हम फिर से करने वाले हैं कुछ मीथ को बास्टेड और कंफर्म। एक नंबर मीथ है, अगर आप जेटपिक के साथ स्विमिंग ग्लिच करो तो मैजिक होगा। स्विमिंग ग्लिच करने के लिए हमें जेटपिक बुलाना पड़ेगा, लेकिन कौन सा वाला बुलाओ? चलो पहले बड़े वाले पे करते हैं। तो बड़ा वाला जेटपिक का चीट कोड है 320। चलो स्पॉन हो गया, अब इसको हमें पानी में ले जाना है। अरे किधर जा रहा है भाई? चलो पानी में आ गया, अब उतर के फिर से बैठना है। और देखो ये मुक्का आ गया, मतलब हमारा स्विमिंग ग्लिच हो गया। अरे ये तो डांस कर रहा है, ये कैसा ग्लिच है भाई? आप सिर्फ इसका पैर देखो भाई, ये तो डांस कर रहा है। न्यू इमोट में उड़ा गया क्या? एक्चुअली ये क्या कर रहा है भाई? स्विम कर रहा है। अभी देखो भाई इसका पैर, जैसे डांस करते हैं ना भाई, वैसा ही मूव कर रहा है। लेकिन गजब है भाई। और ये क्या भाई, ये सामने क्या आ रहा है? वो एक्चुअली इसका फेस है ये, लेकिन सिर्फ चश्मा दिखा रहा है और आँख दिखा रहा है, लेकिन मुंह तो सामने करता है। पीछे क्या देख रहा है? पीछे चश्मा लगा रहता है क्या? भाई क्या हो रहा है भाई, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी देखो इसका टकला दिख रहा है भाई, गजब ग्लिच हो गया ये। रुको इस पे तो ये ऐसा दिख रहा है, अभी हम छोटे वाले जेटपैक पे देखेंगे। चलो छोटे वाले पे भी स्विमिंग ग्लिच कर लिया। और यहाँ पे भी नाच रहा है, यहाँ पे तो और भी अच्छे तरीके से दिख रहा है भाई। और यहाँ पे भी सेम केस है भाई, आँख और चश्मा दिख रहा है। और भाई इस कैरेक्टर पे अगर इमोट होता ना भाई तो और भी अच्छा लगता, लेकिन डांस मूव बहुत अच्छा था भाई। तो ये मीथ होता है कंफर्म। दो नंबर मीथ है, हम फायर ट्रक के ऊपर खड़ा नहीं हो सकते। तो चलो पहले फायर ट्रक को स्पॉन करते और फायर ट्रक का चीट कोड है 606। चलो स्पॉन हो गया। अभी ना भाई इसके ऊपर जाना बहुत आसान हो गया। कुछ नहीं भाई, सिर्फ आपको जेट पैक स्पॉन करना है और ऊपर उठ जाओ। अरे उठ जा भाई, इसका थोड़ा यही प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइम लगाता है और पहले जाके धक्का लग जाता है। चलो ऊपर आ गया, लेकिन थोड़ा सा साइड में आ गया, मतलब पूरा ऊपर नहीं आया। रुको थोड़ा अच्छे तरीके से आते हैं। अरे अरे भाई किधर जा रहा है? अभी हमें धीरे से इसको नीचे लाना है। चलो अब प्रॉपरली इसके ऊपर आ गया, अभी हमें उतरना है। अरे भाई गिर गया भाई, ऊपर नहीं रहा। तो ये मीथ होता है कन्फर्म। तीन नंबर मीथ है, न्यू अपडेट के बाद घोस्ट राइडर बाइक का कलर चेंज नहीं होता है। तो 555 डाल करके घोस्ट राइडर बाइक को स्पॉन कर लिया। अभी देखना है इसका कलर चेंज होता है या नहीं होता है। अरे इसका तो कलर चेंज हो रहा है भाई। भाई ये तो हर बार होता है, अपडेट के बाद तुम लोग कमेंट करते हो घोस्ट राइडर बाइक का कलर चेंज नहीं होता है, और मैं जब ट्राई करता हूँ तब होता है, और मैं हर बार की तरह उल्लू बन जाता हूँ। तो अगली बार से भाई इसको नहीं करूँगा, बता दे रहा हूँ, छोड़ो मजाक था। तो ये मीथ होता है बस्टेड। चार नंबर मीथ है, बोलेरो और जेटपैक में एक साथ बैठो और मैजिक देखो। तो चलो पहले हमें बोलेरो को स्पॉन करना है, और बोलेरो का चीट कोड है 3100। चलो बोलेरो स्पॉन हो गया, अभी हमें इसके पास में जेटपैक को स्पॉन करना है, जिसका चीट कोड है 320, और ये बड़ा वाला है, ठीक है। अभी हमें इन दोनों में बैठना है। चलो बैठ गया। अरे भाई पहले ही आके धक्का लग जाता है भाई, कुछ तो फर्क नहीं दिख रहा है, पूरा नॉर्मल है, शायद अच्छे से नहीं हुआ होगा, मतलब दोनों में हम एक साथ नहीं बैठे होंगे। तो चलो और एक बार कर लेते हैं। अभी हमें जेटपैक को बोलेरो के पास स्पॉन करना है भाई, बहुत ज़्यादा ही पास हो गया, कोई बात नहीं। चलो दोनों में बैठ गया। अरे ये टेढ़ा होके बैठा है क्या? रुको ऊपर जाएगा तो और भी अच्छे तरीके से पता चलेगा। अरे और देखो भाई ये लटक रहा है, वो भी उल्टा, मतलब टेढ़ा हुआ, उल्टा नहीं टेढ़ा हुआ, और जमीन के अंदर चला गया क्या? देखो फर्स्ट पर्सन करने पे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा कैरेक्टर किधर गया भाई? देखो फर्स्ट पर्सन पे कितना क्लियर दिख रहा है भाई, कैरेक्टर किधर गया? अरे दिखा दिखा, अभी देखो भाई पतंग की तरह लटक रहा है। देखो अभी उतना अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा जूम करोगे ना तो देखोगे भाई जेटपैक के नीचे कुछ है भाई, पतंग बन गया ये, मतलब हम पतंग उड़ा रहे। तो ये मीथ होता है कन्फर्म। पांच नंबर मीथ है, मेगा रैम के ऊपर जेटपैक नहीं उड़ेगा। देखो दोनों जेटपैक है, तो मैं पहले बड़ा वाला को स्पॉन करूंगा। चलो बड़ा वाला स्पॉन हो गया, और अभी हम बैठे लेकिन नहीं उड़ रहा है भाई। देखो कितना कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं उड़ रहा है भाई, पहले तो लग रहा था उड़ेगा लेकिन नहीं उड़ा, कोई बात नहीं। अभी छोटे वाले स्पॉन कर लिए, और छोटे वाला का चीट कोड है 330। चलो इस पे बैठ गया, अभी लगता है ये शायद उड़ जाएगा। अरे ये भी नहीं उड़ रहा है भाई। तो ये मीथ होता है कन्फर्म। ऐसे और मीथ बास्टर्ड की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपको अगर कुछ मीथ के बारे में पता है तो कमेंट करके बताओ।